आज हम बात करेंगे एलजी के 640 मॉडल 32LQ640। 2023 मॉडल लॉन्च कराया कंपनी ने और ये एक रीजनेबल प्राइस के अंदर लॉन्च करा है, सस्ते प्राइस में। देखिएगा इसके लुक, ये बेजल लेस है, इसमें बिल्कुल भी बेजल नहीं दे रखी है यहाँ पे। तो एज टू एज है, मतलब डिस्प्ले इसकी जो है बिल्कुल स्लिम है। और बस साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये साइड से थोड़ा नीचे एरिया जो है मोटा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं इसके बॉटम साइड में। और यहाँ बैक साइड में आप देखेंगे पूरा पीछे से स्लिम है, सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है इसका थोड़ा मोटा है क्योंकि यहाँ पे इसके पार्ट्स लगे हुए हैं। और मैं इसके आपको स्लॉट दिखा देता हूँ। बैक साइड की बात करूँ तो ये देखिएगा, यहाँ पे कंपनी ने इसमें लैंड केबल दिया, आप इथरनेट केबल डायरेक्ट इसमें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्टिकल डिजिटल आउट का, यानी कि आप ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू भी टीवी की साउंड अपने म्यूजिक सिस्टम में ले सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एवी ऑडियो वीडियो का यहाँ पे साइन मिलेगा, तो आप यहाँ पे अपना ऑडियो वीडियो मतलब नॉर्मल सेट टॉप बॉक्स या डीवीडी प्लेयर इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। आरएफ ट्यूनर यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ आरएफ ट्यूनर इंडिया में तो शायद कोई यूज़ नहीं करता, अगर कोई यूज़ करे तो ट्यूनर लगा के आप उसमें प्रोग्राम देख सकते हैं। सेकेंड, इसका आप यहाँ इधर वाली साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे HDMI के 3 स्लॉट। यहाँ तीनों स्लॉट में HDMI 2 के अंदर आपको मिलेगा ARC का स्लॉट, ये सिर्फ एक ही स्लॉट दिया है HDMI 2 पे। और यहाँ पे आपको मिलेंगे USB के 2 स्लॉट, ये दोनों एक के ऊपर एक बने हुए हैं, आप 2 स्लॉट यूज कर सकते हैं USB के। और यहाँ बॉटम साइड में आप देखेंगे यहाँ पे इसके नीचे स्पीकर है, यहाँ दोनों आपके स्पीकर इधर ही बॉटम साइड में है। करने के लिए वॉल्यूम को एक्सेस करने के लिए आप मैनुअल भी कर सकते हैं, अगर आपका रिमोट काम नहीं कर रहा या रिमोट नहीं है तो आप मैनुअल टीवी को ऑन ऑफ भी यहाँ से कर सकते हैं। और इसमें आपको एक चीज मैं बता दूं, इस मॉडल को अगर आप परचेज करते हैं तो ये बेटर है, कम रेंज में और सस्ते प्राइस में ये बेटर मॉडल है, स्लिम है। और साथ ही साथ बस इसमें एक नेगेटिव पॉइंट मैं आपको ये बता दूं, शायद कोई ना बताए, क्योंकि जो इसका वॉल माउंट है वो काफ़ी मोटा है, अगर वॉल पे आप टीवी को लगाएंगे तो वॉल से ये काफ़ी दूर हो जाता है, जो देखने में कई हद तक अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपको ये टीवी परचेज करना है तो एक चीज़ का आप देख लेना, ये टीवी दीवार से काफ़ी आगे रहेगा, बिल्कुल स्लिम नहीं रहेगा दीवार से, क्योंकि कंपनी का कहना है कि ये सीलन की वजह से खराब होने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए कंपनी ने ये वॉल से काफी डिस्टेंस रखा है इसके माउंट में। मैं आपको उसका माउंट भी दिखाता हूँ। और इसके अंदर आपको 20 वॉट स्पीकर मिलेंगे 2.1 चैनल के साथ। तो ये आपका दोस्तों 2023 मॉडल है जो कि अभी कंपनी ने नया लॉन्च करा है, और इस मॉडल के अंदर कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है वो 2022 वाला ही यूज़ कर रही है। वेब ऑपरेटिंग सिस्टम Alpha 5 5th जनरेशन है इसकी पे है, और OTT प्लेटफॉर्म वो सब इसमें अवेलेबल होंगी, मैक्सिमम नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, Zee5, ये सब एप्लीकेशन इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड है। और साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा LG का ऐप स्टोर, जहाँ से आप और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे आपको देखो वेब ब्राउजर का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ मीडिया प्लेयर में आपका पेन ड्राइव का ऑप्शन है, और बिल्ट इन इसमें एलेक्सा है, एलेक्सा भी इसमें आप यूज़ कर सकते हो, और साथ में इसमें गूगल असिस्टेंट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें इस रेंज में मिल जाएंगी, सस्ती रेंज में। साथ में यहाँ पे कंपनी जो देती है रिमोट वो देती है नॉर्मल रिमोट, यहाँ पे आपको इसमें मैजिक मोशन रिमोट नहीं मिलेगा, ये एक नॉर्मल रिमोट के साथ है। हाँ, टीवी कंपेटिबल है, अगर आप चाहते हो मैजिक मोशन रिमोट इसके साथ कनेक्ट करना तो वो आप परचेस करके कंपनी से इसमें यूज़ कर सकते हो, तो ये आपका मैजिक मोशन के साथ भी कंपेटिबल है।